हाय दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे राम सिंह चार्ली मूवी के बारे में, जो कि रिलीज हुई है सोनी लीफ ऐप पर। मूवी की ओवरऑल लेंथ करीब 1 घंटे 36 मिनट की, और इसमें हमें नजर आते हैं कुमुद मिश्रा, दिव्या दत्ता, और इसे डायरेक्ट किया है नितिन कक्कड़ ने। खैर, इस मूवी की कहानी शुरू होती है जेंगो सर्कस से, जहां पर हमें नजर आते हैं राम सिंह उर्फ चार्ली। अब उनको चार्ली इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो बचपन से चार्ली का एक्ट परफॉर्म कर रहे उस सर्कस में, और साथ साथ राम सिंह के फादर भी उसी सर्कस में एज एन आर्टिस्ट काम करते थे। लेकिन कहानी में ट्विस्ट अब आता है जब जेंगो सर्कस के मालिक डिसाइड करते हैं कि वो लोग अभी सर्कस को बंद कर देंगे। अब इसके बाद राम सिंह उर्फ चार्ली की लाइफ में क्या कुछ होता है, ये सब कुछ जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी ये मूवी। खैर, बात करेंगे इस मूवी के कॉन्सेप्ट की। तो बचपन में जब हम लोग सर्कस देखा करते थे तो हम लोग एंटरटेनमेंट के लिए देखते थे, और उस वक्त इतना ज्यादा एंटरटेनमेंट की चीजें थी भी नहीं। लेकिन कब सर्कस हटके दूसरी सारी चीजें आने लगी वो हमको पता भी नहीं चला, और हमको सर्कस बंद होने से कुछ फर्क भी नहीं पड़ा क्योंकि हम लोग वहां पर काम तो करते नहीं, और हम लोग बस वो दूसरी चीजों में एंटरटेनमेंट ढूंढने लगे। लेकिन जिन लोगों को फर्क पड़ा वो थे उस सर्कस में काम करने वाले आर्टिस्ट। अब इनमें से बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट थे जो लोग सिर्फ पैसे कमाने के लिए काम नहीं करते थे, बल्कि वो लोग अपने काम को जीते थे, और लिटरली वो उनकी जिंदगी थी। अब एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा, वो ये है कि अगर एक बच्चे को अपनी माँ से जुदा कर दो तो क्या वो बच्चा रह पाएगा या उसकी माँ रह पाएगी? नहीं ना। तो वैसे ही सर्कस के आर्टिस्ट लोग का भी था, जब सर्कस बंद हो गई तो उनकी लाइफ कैसे उथल पुथल हो गई, उनकी लाइफ में क्या उतार चढ़ाव है, बस बेसिकली इसी कॉन्सेप्ट पे ये पूरी मूवी बनाई गई है। अब बात करेंगे इस मूवी के कैरेक्टर्स की, तो यहाँ पर मैं एक ही कैरेक्टर का नाम लूंगा, वो है राम सिंह उर्फ चार्ली, जिसे प्ले किया कुमुद मिश्रा ने। अब इस कैरेक्टर को इतनी अच्छी तरह से यहाँ पर प्रेजेंट किया है कि लिटरली मूवी स्टार्ट होने के 5 से 10 मिनट के बाद ही आप खुद को उस कैरेक्टर में महसूस करने लगते हो, और मूवी की जीत तब होती है जब आप मूवी देख रहे हो, आप मूवी के किसी एक कैरेक्टर में खुद को महसूस करने लगो। तो उसका बेनिफिट ये होता है कि जब आप मूवी को देखते हो तो उस दौरान जब वो कैरेक्टर हंसता है तो आप उसके साथ हंसते हो, जब वो कैरेक्टर रोता है तो आप उसके साथ रोते हो, जब वो एक्शन करता है तो आप वो चीज फील करते हो, जब वो रोमांस करता है तो यानी कि सारी चीजें आप उसके साथ जीते हो, और बेसिकली मूवी देखने का असली मजा वही होता है। और यहाँ पर ये मूवी स्टार्ट होने के कुछ ही देर बाद मैं पर्सनली राम सिंह उर्फ चार्ली के कैरेक्टर से पूरी तरह से कनेक्ट हो गया था, और शायद ये चीज आप लोगों के साथ भी हो सकती है। उसके बाद इस मूवी के जो दूसरे सपोर्टिंग कैरेक्टर्स थे उनको भी बहुत ही अच्छी तरह से लिखा गया। अब बात करेंगे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो यहाँ पर एक ही चीज बोलूंगा, मूवी को बहुत ही सिंपल वे में शूट किया, लेकिन कुछ ऐसे सीन है जो लिटरली आपको रुला देंगे। अब रोने की बात हुई है तो मैं आपको बता दूं कि ये उन मूवीज में से जो आपको थोड़ा सा हंसाएगी, बहुत ज्यादा रुलाएगी, और बहुत कुछ जिंदगी में सिखा कर जाएगी। अब बात करेंगे इस मूवी के बीजीएम की, तो एक ही चीज बोलूंगा वो ये है कि भाई इस मूवी में जो बैकग्राउंड में मुझे इंस्ट्रूमेंट का नाम नहीं पता, वो वायलेंट है या पता नहीं क्या है, लेकिन वो इतनी अच्छी अच्छी जगह पे आपको सुनने को मिलता है कि लिटरली वो वॉयलेंट वो सीन देखकर मतलब यार एक अलग ही फीलिंग होती है यार। मैं आपको वर्ड्स में वो सब चीजें डिस्क्राइब नहीं कर सकता जो मैंने इस मूवी को देखते वक्त फील की है। उसके अलावा इस मूवी की एक और चीज जो मुझे बहुत अच्छी लगी, वो एक सीन है पर्टिकुलर जहां पर एक बच्चा अपने फादर के लिए पोयम लिख रहा है या पढ़ के सुना रहा है, तो जो उसके एक एक वर्ड्स है ना वो ऐसा लगता है कि आपके दिल से निकल रहे हैं। यानी कि अगर आप भी अपने फादर के लिए कोई दिल से पोयम लिखते तो शायद इसी तरह की लिखते। अब वो पार्ट मुझे इस पूरी मूवी का बहुत ज्यादा अच्छा लगा यार। लेटर मूवीज में इतना ज्यादा इमोशनल होता नहीं, लेकिन कुछ ऐसी मूवीज होती है जो मैं पूरी तरह से उसके साथ बह जाता हूँ, बस खत्म। और बात करें इस मूवी में एक्टर्स के परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पर कुमुद मिश्रा के बारे में एक ही बोलूंगा, लिटरली उन्होंने इस कैरेक्टर को जिया है भाई। पूरी इस मूवी में उन्होंने जो चार्ली चैपलिन के जो एक्सप्रेशन थे, जिस तरीके से वो चलते थे, यानी कि हर एक छोटी से छोटी चीजों पे उन्होंने बहुत ही ज्यादा काम किया, वो पर्दे पर नजर भी आता है। और मैं कह सकता हूँ कि डायरेक्टर और एक्टर की तरफ से ये ट्रिब्यूट है चार्ली चैपलिन सर को। उसके अलावा जो दूसरे सपोर्टिंग एक्टर्स थे सभी लोगों ने अपने से काम बहुत ही अच्छी तरह से किया। अब बात करेंगे इस मूवी की कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की, तो मैं आपको बता दूं ये उन मूवीज में से जिसमें मैं चाहकर भी कुछ नेगेटिविटी नहीं निकाल सकता। मेरे हिसाब से ये एक अच्छी मूवी है। पेरेंटल गाइडेंस की बात करेंगे तो यहाँ पर कोई भी एडल्ट सीन नहीं है, ये आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हो, फील कर सकते हो। और इस मूवी को मैं रेटिंग दूंगा 5 out of 5। मेरे हिसाब से अगर आपको देखना है तो आप जरूर देखना, अगर आपको नहीं देखना है तो आप लोग मत देखना है, क्योंकि ये फाइनली डिसीजन आपका है। मेरा काम था वीडियो बनाना, मैंने बना दिया, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता तो एक मेहरबानी करो कि प्लीज इस वीडियो को आपके कॉन्टेक्ट में यानी कि फ्रेंड्स लोगों को, आपके फैमिली मेंबर को शेयर करो। और अगर आप लोग इस चैनल पे अभी फर्स्ट टाइम विजिट किया हो तो यार सब्सक्राइब करो, साथ ही जो बेल आइकन है उसे भी कर देना प्रेस, क्योंकि मैं डेली वीडियोस बनाते रहता हूँ और हम लोग दिल से दिल का जो कनेक्शन है वो हम लोग बनाते रहेंगे, और इंशाल्लाह हमारे इस चैनल को हम लोग बहुत बड़ा करेंगे। अगर आपका सपोर्ट रहा तो हम लोग ये मुमकिन कर पाएंगे, वरना वो कांचा बोलता ना कि तुम क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाओगे, तो मैं यहाँ पर लेकर कुछ नहीं आया और लेकर भी कुछ नहीं जाऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में दुआ में याद रखना।